जियो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस का ये पार्ट वन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग जियो स्टैटिस्टिक्स का बोला था कि ओवरऑल एक कैप्सूल कोर्स लाएंगे, तो ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट जीरो मान सकते हो, जस्ट बिगिनिंग। उसमें हम लोग एक क्वेश्चन जस्ट पूछे थे ना कि 30 सैंपल्स क्यों यूज होता है, मिनिमम 30 का क्या सिग्निफिकेंस है। तो उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ब्रॉडली थोड़ा बहुत मीन मीडियन मोड जस्ट एग्जांपल देके मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाया। तो आज जो मेन टॉपिक होगा, देखो मीन तो है, ये बात हम लोग मीन जानते, मीन मतलब सोचते एरिथमेटिक मीन, लेकिन एक्चुअली मीन का मतलब क्या है वो समझेंगे। मीन 3 टाइप का एक्चुअली हो सकता है, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बोल के भी और 2 चीज़ होता है। हाँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन में हम लोग जनरली एरिथमेटिक मीन बोल के छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तू कुछ टेस्ट करने जाओगे, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या फर्दर कोई भी अप्लाइड एस्पेक्ट्स में जाओगे ना, तब पता चलता है इसका कितना इंपॉर्टेंस है। बट अक्सर देखता हूँ कि ये बेसिक्स में लोग घुसते नहीं, आई डोंट नो वाई, सडनली जम्प होके फिर इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं ये चीज़ पहले क्लियर करूँगा। सो इट्स के स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट एग्जांपल दे देता हूँ। क्या है, कोई क्रिकेट प्लेयर है, मान लो पांच पांच लड़का है। हाँ, क्रिकेट प्लेयर का सभी का अलग अलग हाइट है, तो एवरेज हाइट क्या होगा, सभी का टोटल करके कितना नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर है ना, यही तो मीन है। नंबर ऑफ सैंपल्स का जो वैल्यू डिवाइडेड बाई कितना नंबर है। सो ये हाइट का प्लस कर दो टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल 5 प्लेयर, तो एवरेज 1.99 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो दे आर एक्चुअली टॉल, एक बार वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम मान लो, वेस्ट इंडीज का ऐसा मान लो, तो ऐसा एक ये किया है, तो फिर ये एरिथमेटिक मीन। बट इसको छोड़ के और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है जो है जियोमेट्रिक मीन। एक एक एग्जाम्पल देके हम समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक रेक्टेंगल है, 4 मीटर और 9 मीटर साइड लेंथ है। हाँ, तो इसका एरिया क्या है, 36 मीटर स्क्वायर। सो यही सेम एरिया का एक स्क्वायर हाइपोथेसाइज करो, कल्पना करो क्या होगा, 6 मीटर बाई 6 मीटर होगा ना, एरिया सेम रहेगा, साइड इक्वल हो जाएगा। सो ये क्या है, ये कैसे मेजर होता है, इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। और आसान तरीका से बोलूंगा, ठीक है। फर्स्ट ये देख लो, लेट्स से रेक्टेंगल विथ 9 मीटर एंड 4 मीटर है, विद द गिवन डायमेंशन एंड इक्विवेलेंट एरिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए इक्विवेलेंट स्क्वायर। सो हियर फर्स्ट वी फाउंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, साइड का मल्टीप्लीकेशन करो। नाउ एक ऐसा करके फैक्टर दिखाना है कि सेम होगा, यूनिफॉर्मिटी करना है, ठीक है। तो 36 का ये करना है, स्क्वायर रूट करना, क्योंकि 2 डायमेंशन है ना। अगर इससे नहीं समझा, हालांकि नहीं समझना उतना इजी नहीं है, तो इसीलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ठीक है। तो एक मान लो हम कार से जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, ठीक है। देखो, जियोमेट्रिक मीन ये तो सिंपल एवरेज कर देते हो, जियोमेट्रिक मीन रेट का एवरेज करते हो। कैसे, इनिशियल स्पीड ऑफ ए कार इज 100 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 1 आवर इट गेन 10% इंक्रीज। जो 10% का जितना इंक्रीज हुआ, आफ्टर फर्दर 1 आवर वो इंक्रीजिंग वैल्यू का फर्दर 20% इंक्रीज हुआ। एंड सिमिलरली आफ्टर और 1 आवर बाद, 3rd आवर में 30% इंक्रीज हुआ। तो व्हाट इज द एवरेज इंक्रीज ऑफ स्पीड, समझ गया। स्पीड तो इंक्रीज हो रहा है, बट एवरेज इंक्रीज कितना स्पीड में हो रहा है, कितना रेट में हो रहा है। सो T0 में क्या है स्पीड, 100। T1 में 10% इंक्रीज, 100 का 10% क्या है, 110, ठीक है। सेकेंड आवर में 110 का 20%, तो 110 का 20% कितना होगा, 22 ऐड होगा, 132। एंड 132 का फर्दर 30% क्या होगा, ऐड होने से 171.6 आता है। तुम हिसाब करके कैलकुलेटर के आराम से देख सकते हो। सो क्या हो रहा है, देर इज ए आवरली चेंज इन द स्पीड फॉर 3 आवर्स इन 3 इंस्टेंसेस। देखो, ये तो इनिशियल है, फर्स्ट चेंज, सेकेंड चेंज,
थर्ड चेंज, तो तीन बार चेंज हुआ स्पीड है। बट हियर वी आर ट्राइंग टू सी इफ वी कैन फाइंड द आवरली स्पीड चेंज रेट व्हिच इज द सेम फॉर ईच ऑफ द थ्री आवर्स दैट गिव अस सेम स्पीड फॉर द कार इन द थर्ड आवर। ये जो 171.6 है ना, ये तो कैसे हुआ? कोई हैपाजर्ड वे में हुआ, पहले 10% बाद में 20% बाद में 30%, तो स्मूथ एक पर्टिकुलर सेम रेट में स्पीड करके 171.6 आना है 100 से, कैसे करोगे थ्री आवर्स में? तो उसको करने के लिए जो फैक्टर ये होता है ना, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मीन। उसको क्या करना है, देखो 100 टू 110 के लिए 1.1% ऐड हुआ ना, ठीक है, नेक्स्ट में 1.2 ने, देन 1.3, हिसाब करके देखो। सो इफ वी कैन मल्टीप्लाई 1.1 इंटू 1.2 इंटू 1.3 वी गेट 171.6 है ना, दैट विल गिव अस इफेक्टिव एवरेज आवरली स्पीड। सो इसको क्यूब रूट कर दो, देखो 1.1972 आएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई करो, सो 1.1972 तीन घंटा में हुआ, ठीक है, तो आवरली स्पीड क्या है 19.72। सो 100 के साथ है थ्री आवर्स में 19.72% के हिसाब से इंक्रीज करो, देखो ये आ जाएगा 171.6 आएगा, ठीक है, समझ गया। जैसे 100 का 19.72% मतलब क्या है, एक घंटा में होता है 119.72 है ना, तीन घंटा में क्या होगा 3 × 19.72 कितना होगा, है ना। तो ये रेट है थर्ड 19.72 पर आवर में है। नेक्स्ट और अच्छी तरह दिखा देता हूँ, द एवरेज तो फिर इज सिनोनिमस फॉर मीन। मीन के लिए जो होता है अरिथमेटिक मीन, वो तो सिंपल प्लस प्लस करके होता है, और ये क्या मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करके होता है, जो हम लोग नॉर्मल जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं, ठीक है, ये वाला चीज समझ गया ना। 1.716 का क्यूब रूट करने से 1.1972 आ रहा है। सो इन अदर वर्ड्स क्या होगा, इफ वी हैव टू गेट 171.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर इन थ्री आवर, वी कैन मल्टीप्लाई 1.1972 थ्री टाइम्स, दैट गिव अस एवरेज आवरली स्पीड इंक्रीज एज 19.72 है ना। तो फर्स्ट आवर में 119.72, नाउ 119.72 का 19.72% जितना आएगा उसका भी फर्दर 19.72% करोगे तो यही आएगा, तो एक होमोजीनियस रेट में बढ़ेगा तब, है ना, बट क्यूमुलेटिव वे में सोचना है ये, ठीक है। बट एरिथमेटिक मीन का ऐसा कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट होता है। सो दिस इज द एवरेज इज सिनोनिम फॉर मीन, है ना। लाइकली वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एज सच देयर इज मल्टीपल डिफरेंट ways to calculate the mean based on type of data that are working with. तो कोई भी चीज का एवरेज समझाने के लिए मीन होता है, बट किस टाइप का एवरेज, वो उसके लिए तीन टाइप का मीन होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड जो बोला हार्मोनिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं, आई होप सभी को पता है, पहले एग्जाम्पल भी दिखा है ना। बट दो चीज देख लो, अरिथमेटिक मीन इज appropriate when all values in the data sample have the same units of measure, जैसे कि all height या पैसा का dollar या हमारा rupees, miles, same unit। First example के देखा, average height, सभी का height करके number से divide कर दो, लेकिन जब geometric mean कर रहे हो more than one चीज हो गया ना, क्यों? जैसे हम लोग speed भी बोल रहे हैं, फिर hour भी बोल रहे हैं ना, तो एक time का relation आ रहा है, एक स्पीड बढ़ा है वेलोसिटी का, है ना। तो ये दोनों चीज, दो फैक्टर आ जा रहा है। सो द वैल्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो अरिथमेटिक मीन में, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा नहीं होगा,
हमेशा पॉजिटिव होगा, आऊंगा उसमें। द अरिथमेटिक मीन कैन बी इजीली डिस्टोर्टेड इफ सैंपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंटेन्स आउटलायर और नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आउटलायर मतलब मान लो एक जगह पे तुमको सभी जगह पे मिनरलाइजेशन का ग्रेड मिल रहा है 0.1, 0.2, 0.3, सडनली एक जगह पे परसेंटेज में आ रहा है एक ही जगह पे स्पॉट में 5% तो तीन जगह पे 0.1, 0.2, 0.3 आया और चौथा जगह पे 5% आ गया, तो एवरेज क्या हो गया 0.1, 0.2, 0.3 का टोटल हो गया 0.6, चौथा का डायरेक्ट 5 तो 5.6 हो जाएगा। उससे 4 से डिवाइड करने से बहुत ओवर एस्टिमेशन आ जाएगा। सो ये आउटलायर को रिमूव करके तब करना है, 0.1, 0.2, 0.3 का एवरेज तीन वैल्यू से करना है ना, तो 0.2 आएगा, तो वो होगा अप्रोप्रिएट थिंग। लेकिन मल्टीमोडल सडनली बहुत सारा पीक आ जाने से तब अरिथमेटिक मीन गड़बड़ा जाता है। और जियोमेट्रिक मीन का अभी अच्छी तरह देखो, पहले जो एग्जांपल दिया ना स्पीड, उसको क्या हुआ था एक्चुअली, पहले 1.1 रेट में बढ़ रहा था, फिर 1.2 रेट में बढ़ रहा था, फिर 1.3 में बढ़ रहा था ना। सो ऐसा एक सोचो, एक थ्री डायमेंशनल बॉडी रेक्टेंगल है जिसका 1.1, 1.2, 1.3 हिसाब के एक एक स्क्वायर है। 1.1 मीटर वाला एक स्क्वायर, 1.2 मीटर वाला वन स्क्वायर और एक साइड का स्क्वायर का 1.3 डायमेंशन। सो इसका मल्टीप्लीकेशन करने से क्या होगा, इसको ऐसा एक क्यूब कल्पना करो कि सेम वॉल्यूम रहेगा, है ना, समझ गया। द रीजन आई से इज ए जियोमेट्रिक प्रॉब्लम इज दैट इमेजिन इट इज ए थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर ट्यूब विथ साइड लेंथ 1.1, 1.2, 1.3। जियोमेट्रिक मीन क्यों बोल रहा है, उसको जियोमेट्रिकल बॉडी के साथ कंपेयर करो। तो रेक्टेंगुलर अलग अलग साइड का क्यूब हो जाएगा, तो उसको इक्वल डायमेंशन वाला क्यूब बनाने के लिए क्या होगा, इसको सभी को मल्टीप्लाई करो, उसको क्यूब रूट कर दो, है ना। क्यूब रूट करने से जो वैल्यू आएगा ऑटोमेटिक आएगा, वही तो हम लोग किया इधर, क्यूब रूट, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन का क्यूब रूट 1.1972 आया, ठीक है, और कुछ नहीं फर्दर। तो फिर इजीएस्ट वे क्या है, इजीएस्ट वे क्या है, देखो नॉर्मल अरिथमेटिक मीन में हम लोग प्लस प्लस करके बढ़ाते हैं, एक वैल्यू है 2, दूसरा वैल्यू है 4, तीसरा वैल्यू है सपोज 6, सो 2, 4, 6 इसका एवरेज क्या होगा 2+4+6/3, है ना, 2, 4, 6, 6, 12/3, 4 आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है, फर्स्ट वैल्यू 2, सेकेंड वैल्यू 2 × 2 = 4, सेकेंड वैल्यू 4 × 2 = 8, सो 2 × 4 × 8 = 64, तो इसका जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, 64 का क्यूब रूट होगा, 4 ही आएगा, है ना, ये है डिफरेंस। सो जियोमेट्रिक मीन इज अप्रोप्रिएट व्हेन द डेटा कंटेन्स वैल्यू विद डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजर, जैसे कि सम मेजर्स आर हाइट, सम आर डॉलर, सम आर माइल्स एटसेट्रा। जैसे हम अभी बोला था ना, कार का स्पीड भी बोल रहा हूँ, कार का टाइम का रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ना, दो यूनिट का मार्च हो रहा है ना, ये चीज समझो एक दूसरे का रिलेशन के बारे में। सो इवन दो इट इज ए स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन, देयर इज ए जियोमेट्रिकल एनालॉजी विच इज वाई वी यूज जियोमेट्रिक मीन। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं दूसरा रिलेशन में, इसका इम्प्लीकेशन क्या है वो भी बोलूंगा, लेकिन फिलहाल तीसरा वाला मीन को भी समझ लेते हैं, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। यस, तो ये थर्ड वाला मीन को बोला जाता है हार्मोनिक मीन, विच इज कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ वैल्यूज एन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। ऐसा पढ़ के कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं, मैं आराम से समझाता हूँ। हार्मोनिक मीन डज नॉट टेक रेट्स विद नेगेटिव और जीरो वैल्यूज, ऑल रेट्स मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। तो देखो जी, ओनली अरिथमेटिक मीन में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब चलता है, बाकी कोई भी मीन में जीरो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है।
क्यों नहीं है वो मैं फिजिकल एग्जांपल देकर जब समझाऊंगा अब इजीली समझोगे, ठीक है। सपोज एक कार गिव्स माइलेज, एक गाड़ी है, एक गाड़ी का माइलेज अलग अलग रास्ता में अलग अलग होता है। जैसे 20 किलोमीटर पर लीटर होता है हाईवे में, हाँ 10 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है सेम कार हिली ट्रैक में, जहाँ पे बहुत अनरुलेशन है ना, तो माइलेज अच्छा नहीं आता, एंड मॉडरेट देता है 15 किलोमीटर सिटी में देता है, ठीक है। सो फॉर 100 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली इन हाईवे, हिली ट्रैक एंड सिटी, पेट्रोल कंजम्पशन विल बी कितना होगा? ये देखो हाईवे में तो 20 किलोमीटर पर लीटर देता है, तो 100 के लिए 5 लीटर चाहिए, है ना। हिली ट्रैक में कितना चाहिए? हिली ट्रैक में 6.66 लीटर चाहिए, सॉरी 10 लीटर चाहिए ना, हिली में ज़्यादा चाहिए बिकॉज 10 दे रहा है, और जब 15 दे रहा है सिटी में 6.66 लीटर चाहिए। सो नाउ पेट्रोल प्राइस मान लो 100 रुपीज पर लीटर, सो टोटल कंजम्पशन कितना होगा, इसका प्लस कर दो, 21.66 लीटर होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से 2166 होगा ना, इतना पैसा का पेट्रोल एक्चुअली कंज्यूम हो रहा है। बट अगर हम लोग डायरेक्ट एरिथमेटिक एवरेज कर देता हूँ ना ये जो माइलेज को, तो एवरेज माइलेज कितना आ रहा है, 20 प्लस 10 प्लस 15 ना। देखो 20 किलोमीटर वाला माइलेज है, 10 है 15 है, सो 15 आएगा, 20 प्लस 10 30 प्लस 15, 45 डिवाइडेड बाई 3 15। सो 15 किलोमीटर पर लीटर डायरेक्टली अगर अरिथमेटिक मीन करोगे तो, सो इन दैट केस हम लोग क्या देखेंगे, विल सी दैट टोटल पेट्रोल रिक्वायरमेंट इज टोटल 3 बार करने से 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 15, 20 लीटर। 20 लीटर मतलब कितना रुपया होता है, 2000 रुपया का पेट्रोल लग रहा है, रियलिटी में कितना लग रहा है, 2166 है ना 66, सो 2166, लेकिन डायरेक्ट एरिथमेटिक एवरेज करने से 2000 का हिसाब आ रहा है, सो एक मिसकैलकुलेशन हो रहा है ना, 166 रुपीज़ का घाटा पड़ जाएगा जो बिजनेस करेगा कोई पेट्रोल गाड़ी का। सो इसीलिए इसमें हार्मोनिक मीन का यूज़ होता है। हार्मोनिक मीन क्या कर रहा है, जो हम लोग ऐसा करके सेपरेटली हिसाब किया ना, उसी का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे होता है, तीन इंस्टेंस, बिकॉज हिल में 100 मान लो, हाईवे में 100 मान लो, सिटी में 100 मान लो, तो तीन बार हुआ ना, इसीलिए 3 डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 15। 1 बाई 20 मीन्स सिटी के लिए 1 बाई 20, इसके लिए 1 बाई 10 हिली ट्रैक के लिए, एंड हाईवे के लिए 1 बाई 20, सिटी के लिए 1 बाई 15, ठीक है। तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, 13.85 किलोमीटर पर लीटर। सो फ्यूल कंजम्पशन विल बी 300 डिवाइडेड बाई 13.85, सो अराउंड 21.66, सो 2166 रुपीज़ का पेट्रोल लग रहा है। सो इधर देखो करेक्ट आंसर मिल रहा है 2166। सो हार्मोनिक मीन का यही इंपॉर्टेंस है, वरना मिस इंटरप्रिट हो जाएगा, समझ गया। नाउ अगर हम लोग ये तीनों समझ गया, इतना तो समझ गया, सभी का अलग अलग इम्प्लीकेशन है, सभी का इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग जनरली ऑन दी अरिथमेटिक मीन्स सीख के बाकी को छोड़ देते हैं, तो तब बाकी चीज़ का गड़बड़ा जाता है। हम लोग जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी फिर सोचेंगे, पहले फिलहाल समझ लो। नाउ एक चीज़ देखो, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बीच में एक स्मॉल हाई रिलेशन रहता है। जनरली एरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाई हार्मोनिक मीन ना, वो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर का साथ इक्विवेलेंट होता है, हमेशा नॉट नेसेसरी एग्जैक्टली इक्वल होगा, बट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, सेम वैल्यू सिमिलर वैल्यू में आ जाता है। जैसे इसमें भी देखो, लास्ट एग्जाम्पल में एरिथमेटिक मीन कितना था, 15 आया था ना, डायरेक्ट माइलेज को तीन केस में तीन माइलेज को प्लस करके 3 से डिवाइड करने से 15 आया था, लेकिन ये कितना आया था, 13.85 आया था ना हार्मोनिक मीन, और सेम जियोमेट्रिक मीन तो फिर कितना आना चाहिए था, मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट करना है ना, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 का क्यूब रूट 14.42,
सो अभी 14.42 का स्क्वायर करो, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ऑलमोस्ट आसपास में सेम आ जाता है, जैसे 207.9 के आसपास आएगा। सो द माइलेज चेंज रेट बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन मीन्स माइलेज चेंज रेट। हालांकि इधर कितना प्रैक्टिकल है वो नहीं, सभी का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट रहता है, बट हम समझाने के लिए इधर रखा हूँ। इधर माइलेज चेंज रेट का ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। नाउ इधर अगेन देखो, एरिथमेटिक मीन का साथ रिलेशन है प्लस का, प्लस माइनस का, एरिथमेटिक डायरेक्ट, मल्टीप्लीकेशन नहीं, समेशन, सब्सट्रैक्शन है ना, समेशन मान लो, नेगेटिव होने से भी नेगेटिव समेशन, समेशन ऐसा मान लो। सो मान लो एक वैल्यू दो है, दूसरा चार, तीसरा छः, तीन वैल्यू का एवरेज एरिथमेटिक क्या होगा, 2 + 4 + 6 / 3 = 4। नाउ रिलेशन देखो अलग टाइप का हो जाने से तब ज्योमेट्रिक मीन अप्लीकेबल होता है। जैसे अभी मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में है, एक वैल्यू दो है, दूसरा वैल्यू चार, तीसरा वैल्यू आठ, देखो सभी के साथ दो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इधर टू समेशन हो रहा था, इधर टू मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। सो इन दैट केस ज्योमेट्रिक मीन का इम्प्लीकेशन देखो, ये इसका सभी का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 2 × 4 × 8 = 64। सो सच्चे वे 64 को सोचो ताकि सेम वे में एवरेज में रेट में बढ़े, तो 4 का क्यूब करो देखो 64 आएगा। सो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो रहा है, 4 है ना। सो दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, कैसा हो रेट में बढ़ रहा है, एवरेज कर दे रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज है ना, ये एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज है, लेकिन उसको तो फाइनली एरिथमेटिक मीन कर दे रहा हो, ये प्लस प्लस करके बढ़ रहा है ठीक है, लेकिन तो मिडिल वैल्यू आ रहा है ना। इधर भी देखो 2 × 8 दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो 16, उसको रूट करो देखो 4 आएगा है ना। तो ये मल्टीप्लीकेशन रिलेशन में, ये देखो 2 + 6 / 3 करो 4 ही आएगा, मिडिल वैल्यू ही आएगा ना, 2 + 6 / 2 = 4, इधर 2 × 8 उसका रूट 4, बात सेम है ठीक है ना। अभी अगर इतना समझ गया तो एक जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट देखने से और हमारा एंगल में क्या इम्प्लीकेशन है वो भी समझो। मान लो एक जगह पे गोल्ड या कुछ पीपीबी लेवल का कुछ है ना, कम मिलता है ऐसा कुछ एलिमेंट, मान लो गोल्ड या सिल्वर, मान लो गोल्ड मान लो अभी के लिए, एक जगह पे सडन जगह पे सैम्पलिंग करके देखा जा रहा है हेलो जैसा है। हाँ कैसा हेलो है दिखा जा रहा है, बैकग्राउंड तो बहुत लेस देन 20 ppb, 10 ppb, 5 ppb का बैकग्राउंड है इन जनरल। तो सडनली एक जोन में आने से सिस्टमेटिकली 20 ppb एंड अबव मिल रहा है वैल्यू, धीरे 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 एक जाते सर्टेन डिस्टेंस में जाने से मिल रहा है 50 ppb, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फर्दर जाने से दिखा जा रहा है एक जगह पे 100 ppb तक मिल रहा है। सो ये चारों तरफ में ऐसा देखने के बाद देखा जा रहा है कि हेलो बन रहा है, एक सर्टेन एरिया, छोटा एरिया है जिसमें कंट्रोलिंग करके पता चल रहा है 100 ppb वैल्यू का एक जगह है, ऑलमोस्ट 100 meter रेडियस वाला एरिया है ठीक है। वो 100 meter रेडियस वाला एरिया 100 ppb है, उसके बाहर में फर्दर जाने से तो फिर क्या हो रहा है, फर्दर 100 meter जाने से 50 ppb वाला जोन आ रहा है, और उसके बाद फर्दर 100 meter जाने से 20 ppb वाला जोन आ रहा है, उसके बाद बैकग्राउंड में चला जा रहा है। सो हम लोग अगर 20 ppb को भी हम लोग एनोमली मान सकते हो, लेकिन और गुड अच्छा एनोमली के लिए हम लोग थ्रेशोल्ड किसको मान रहे हैं, सपोज बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू को 20 ppb को मान लो थ्रेशोल्ड मान रहे हैं। सो 20 ppb एंड अबव होने से क्या होगा, उसका अबव होने से एनोमली बोलोगे है ना। तो अभी देखो सिंपल, अगर एनोमली जोन को, दैट मीन्स ये वाला पार्ट एनोमलस जोन का अगर ओनली हम लोग एरिथमेटिक मीन करेंगे कितना आएगा, 100 ppb प्लस 50 ppb डिवाइडेड बाई 2 है ना, 150 / 2 में 75 ppb। बट ओवरऑल अगर बैकग्राउंड को जस्ट ऊपर आने से ही जिस लेवल में करेंगे टोटल का, ये जो टोटल एरिया का इसका अगर एवरेज ग्रेड करेंगे कितना आ रहा है, 100 + 50 + 20 / 3, सो 170/3
ना 56.66 पीपीपी आ रहा है, ठीक है। ये टोटल एरिया का एवरेज कर दिया 56.66 पीपीपी, दैट इज ऑल्सो गुड एनफ। लेकिन कौन सा ज्यादा रिलायबल है एक्सप्लोरेशन एंगल से सोचो। इसी जगह का नाव हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन मतलब क्या है, सेपरेट सेपरेट करेंगे, बिकॉज ये जो 100 पीपीपी आ रहा है ना, ये छोटा एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है, और 50 पीपीपी जो आ रहा है ये 100 पीपीपी वाला एरिया का कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा है, और 20 पीपीपी जो आ रहा है वो और बड़ा एरिया कवर कर रहा है। सो अगर एरिया का वेटेज भी देना है, समझना है, तब हार्मोनिक मीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ना एवरेज आउट करने के लिए। सो सभी को वेटेज दो, तब क्या होगा, 3 / 1/100 + 1/50 + 1/20। देखो एवरेज ग्रेड थोड़ा कम हो गया, 37.5 हो गया ये टोटल एरिया का, लेकिन ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव तो है, लेकिन बिकॉज जब रियलिटी में ये करोगे कि छोटा जगह पे बहुत हाई ग्रेड मिलेगा, टोटल को मिक्स करने से यही आएगा ना, ठीक है। क्योंकि ये जो ये कम वाला वैल्यू का वॉल्यूम भी तो ज़्यादा है, ठीक है। सो ये सभी का अपना अपना यूटिलाइजेशन है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो हार्मोनिक मीन का ये है इम्प्लीकेशन। लेकिन और एक चीज़ भी देखो, ये 100 से 100 मीटर दूर में जाके 50 बन रहा है, और 50 से फर्दर 100 मीटर जाने से 20 बन रहा है। सो देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप ऑल्सो ना, एक सर्टेन रिलेशन में धीरे धीरे कम हो रहा है कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस से। सो जेनेटिक एस्पेक्ट समझने के लिए तो वो प्रोसेस समझना चाहिए ना, एरिथमेटिक से तो कोई प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। फ्लूइड का माइग्रेशन, फ्लूइड का मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर रेट में हो रहा है ना, सो उसके लिए तब क्या यूज़ होगा, जियोमेट्रिक मीन। जो जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, 100 × 50 × 20, जो जितना प्रोडक्ट आएगा उसको क्यूब रूट कर दो, तो वो सिस्टमेटिक पैटर्न दिखाएगा। जो 46.41 पीपीपी है ना, वो पर 100 मीटर में ऑन एन एवरेज मान लो ऐसा रेट में कम होगा, एंड वो है ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जेनेटिक एस्पेक्ट से सोचने से है ना। सो 46.41, तो जब फर्दर इधर जाओगे और 100 मीटर दूर, तो उस रेट में और कम हो जाएगा ना, इस जगह का एवरेज मान लो ऐसा ही है, तो पैटर्न पता चल गया, तो इस जगह पे हम लोग जाएंगे ही नहीं। और फर्दर इस साइड में इसके इसके अंदर ऐसा ही सेम प्रोसेस को दूसरा जगह पे, अननोन जगह पे, बड़ा जगह पे यूज करके तुम जियोमेट्रिक मीन यूज करके जेनेटिक एस्पेक्ट्स और ज़्यादा बेटर पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वही बोल रहा हूँ, एवरेज का तो कोई रिलेशन नहीं, जस्ट दिख रहा है एवरेज कर दिया, लेकिन जियोमेट्रिक मीन कुछ पैटर्न बोल रहा है ना, कौन सा रेट में बढ़ेगा या कौन सा रेट में कम होगा। और ये क्या करे हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफकोर्स ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, बट वो एरिया स्पेसिफिक, इस जगह का जो रिजर्व या ग्रेड कैलकुलेट करोगे वो एक्यूरेट दे देगा, लेकिन जेनेटिक एस्पेक्ट्स के लिए ज़्यादा इंडिकेशन देगा जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। तो देखो तीनों का तीन इम्प्लीकेशन है। एक तो सिंपल अरिथमेटिक एवरेज, वो तो बहुत जगह पे यूज होता है आपको पता है, लेकिन जब इस टाइप का सिचुएशन आएगा आप हार्मोनिक मीन यूज करके ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट पाओगे। एंड मोर ओवर अगर जेनेटिक एस्पेक्ट्स देखना है कौन सा रेट में एक्चुअली ग्रेड चेंज हो रहा है, तब आपको लिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा जियोमेट्रिक मीन, है ना। सो अभी के लिए हम इसी में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही धीरे 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 हम लोग और स्मूथ वे में हर चीज़ सीखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड, थैंक यू, विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट डेफिनेशन कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी, ये सबसे स्टार्ट करेंगे, थैंक यू।